तो बच्चे का कभी इस साइड सर चपटा हो सकता है इस साइड हो से, तो बच्चे की जो पोजीशन है नेक की वो सीधी होनी चाहिए मतलब सर की वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए हेलो माय लवली पेरेंट्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जैसे कि आप अभी न्यूली पेरेंट्स बने हुए हैं आपके पास एक छोटा सा बच्चा है प्यारा सा बहुत सेंसिटिव सा तो आपको कौन सी ऐसी बातें हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे के साथ नहीं करनी है क्योंकि पहली बार जो पेरेंट्स बनते हैं उनको किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है बच्चे की केयर कैसे करना है किन किन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि एक गलती भी बच्चे पर भारी पड़ सकती है बच्चा बीमार हो सकता है और भी हेल्थ इश्यूज बच्चे के साथ हो सकते हैं इसलिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो न्यूली पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और जो अभी न्यूली पेरेंट्स बने हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें जिससे आपके जरिए उनकी भी हेल्प हो सके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहली चीज बच्चे छोटे होते हैं तो कई पेरेंट्स को मैंने खुद देखा हुआ है जैसे कि बच्चा जब रोता है तो बच्चे को जोर जोर से हिलाते हैं गोद में लेकर जोर जोर से हिलाएंगे हाथों में लेके जोर जोर से हिलाएंगे तो ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है उसके जो अंग है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है अगर आप बच्चे को जोर जोर से उछालते हैं ज़ोर ज़ोर से बच्चे को झुलाते हैं तो इससे बच्चों के इंटरनल पार्ट्स पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है तो इसीलिए आपको बच्चे को चुप कराने के लिए या बच्चे को खिलाने के लिए ज़ोर ज़ोर से हिलाने या उछालने की ज़रूरत नहीं है ध्यान दीजिए बच्चा आपका इस टाइम बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको बच्चे को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है बहुत ही केयरफुली बच्चे को आपको चुप कराना है ठीक है ऐसा उछालना नहीं है आपको और ना ही ज़्यादा हिलाना है दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बच्चा आपका इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सोएगा 16 से 18 घंटे की नींद लेगा बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो उसको वही बेबी बॉम वाली फीलिंग आती है जैसे कि बच्चा उसमें फील करता है सोया रहता है बाहर की दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होता ऐसे ही सेम बच्चा कुछ हफ्ते तक महसूस करता है इसीलिए बच्चा 16 से 18 घंटे की नींद लेता है तो आपको ऐसे में बच्चे की भूख पर ध्यान देना है बच्चा तो कंटिन्यू 16 से 18 घंटे तक सोएगा उसको ना भूख का एहसास होगा ज्यादा इसीलिए बच्चे को आपको हर दो से तीन घंटे में बार बार उठाकर ब्रेस्ट फीट कराना है क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे बच्चे की भूख पर बच्चे को दूध पिलाने के ऊपर तो बच्चे का विकास फिर कैसे होगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि बच्चे का विकास माँ के दूध से ही होता है सबसे पहले तो आपको हर दो से तीन घंटे में बच्चे को उठाना है और ब्रेस्ट फीड कराना है जिससे कि बच्चे का अच्छे तरीके से विकास हो सके बच्चे के विकास में कोई कमी ना आए तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि बच्चा सो रहा है जब उठेगा तब दूध पिला देंगे तो हो सकता है बच्चा कई घंटे तक ना उठे कंटिन्यू सोता रहे तो इसीलिए आपको बच्चे को बीच बीच में उठाकर दूध पिलाना चाहिए बच्चे के कान के कान पीछे गुदगुदी कीजिए आप पैरों के पंजे पर गुदगुदी कीजिए तो इससे बच्चा थोड़ा नींद से उठेगा और फिर तुरंत आप बच्चे को ब्रेस्ट फिट कराएं लेकिन बच्चा फिर सो जाएगा तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है अभी बच्चा आपका ज्यादा सोएगा इसके बाद जैसे कि बच्चे को आप ब्रेस्ट फीट करा रही है तो क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो ब्रेस्ट होते हैं वो काफी हैवी हो जाते हैं तो आपको ब्रेस्ट को अपने ऐसे ही छोड़ना नहीं है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम ब्रेस्ट को आपको होल्ड करके रखना है जैसे कि अगर आप ऐसे ही फ्री उनको छोड़ देते हैं और बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो इससे बच्चे की नाक दब सकती है बच्चे का मुंह दब सकता है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है इसलिए बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ब्रेस्ट को होल्ड करके रखें केवल ब्रेस्ट का जो ब्लैक एरिया है वो बच्चे के पूरे मुंह के अंदर जाना चाहिए बाकी ब्रेस्ट को आपको होल्ड करके रखना चाहिए कि बच्चे के मुंह पर बच्चे के नाक पर ब्रेस्ट का जो वेट है वो ना पड़े ठीक है क्योंकि इससे बच्चे को सफोकेशन हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ब्रेस्ट फिट कराने के बाद बच्चे को तुरंत डकार जरूर दिलाएं आप बच्चे को शोल्डर से लगा के बच्चे की बैक को रब करें या धीरे धीरे से थपकी दें ऐसा आपको 10 मिनट तक करना होगा क्योंकि शायद बच्चा 10 मिनट बाद डकार ले हो सकता है उससे पहले भी ले ले तो आपको ऐसा करना चाहिए जब तक बच्चा डकार ना ले ले क्योंकि जब बच्चा डकार लेता है तो बच्चा ब्रेस्ट फिट के जरिए जो भी एयर अंदर ले जाता है वो निकल जाती है और बच्चे का दूध भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है फिर बच्चा उल्टी वगैरह नहीं करता है और फिर बच्चे को गैस की दिक्कत भी नहीं होती है बच्चे को पेट में दर्द पेट फूलना जैसी समस्याएं नहीं होती है इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने छोटे बच्चे को कम से कम छः महीने तक पानी नहीं देना है पानी की एक बूंद भी आपको नहीं देनी है बच्चे को जो पानी की जरूरत होती है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क से पूरी हो जाती है इसके बाद नेक्स्ट चीज आपका बच्चा न्यूबॉर्न है तो अपने न्यूबॉर्न बेबी को आपको ज्यादातर सीधा सुलाना चाहिए बच्चे को करवट नहीं सुलाना चाहिए बच्चे को उल्टा नहीं सुलाना चाहिए बच्चे को सीधा पीठ के बल ही सुलाना चाहिए क्योंकि अभी बेबी छोटा है और करवट अगर दिलाएंगे या फिर बच्चे को उल्टा सुलाएंगे तो इससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है बच्चे को मतलब प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए बच्चे को सीधा सुलाएं अभी आप इसके बाद जैसे कि आपका बच्चा छोटा है न्यूबॉर्न है तो फिर आपको अभी बच्चे को जो नॉर्मल प्लो होती है वो यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है गर्दन है उस पर दबाव पड़ सकता है इसीलिए बच्चे के लिए जो राई प्लो होती है वो यूज करें और भी मार्केट में बच्चे के सर को सपोर्ट देने के लिए प्लो मिलती है रेडीमेड आप वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो नॉर्मल प्लो होती है घर में उनका इस्तेमाल आपको बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए और जैसे कि कि बच्चे क्या होते हैं न्यूबॉर्न है तो उनकी नेक होल्ड नहीं हो पाती है तो बच्चे कभी इस साइड लेटे होते हैं कभी इस साइड लेटे होते हैं प्लो की हेल्प से क्या होता है कि बच्चे का सर सीधा रहता है बच्चा इधर नहीं रहता उधर नहीं रहता क्योंकि अगर बच्चा इधर उधर रहता है तो बच्चे का कभी इस साइड सर चपटा हो सकता है इस साइड तो बच्चे की जो पोजिशन है नेक की वो सीधी हो होनी होनी चाहिए चाहिए मतलब सर की वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए आप पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं इसके बाद कुछ पेरेंट्स में एक ये गलत फहमी होती है कि बच्चा रोता है तो वो उसको चुप नहीं कराते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो नेचुरल है बच्चे रोएंगे तभी तो उनका गला खुलेगा और तभी तो उनका अच्छे तरीके से विकास होगा नहीं ये गलत फ़हमी है बच्चे को आपको ज़्यादा नहीं रुलाना चाहिए बच्चा ज़्यादा रोता है तो बच्चे के इससे दिमाग पर असर पड़ सकता है इसीलिए आपको बच्चे को नहीं रुलाना चाहिए ज़्यादा बच्चे को चुप करा लेना चाहिए बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए बच्चे को लोरी सुनानी चाहिए बच्चे को हल्के से हाथों में झूला जुला सा झुलाना चाहिए जैसे कि बच्चा चुप हो जाए बच्चा रोए नहीं ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चा रोता है तो बच्चे का गला खुलता है ये होता है वो होता है ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चे को ज़्यादा रुलाने की गलती आप ना करें सो आई होप फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा हेल्पफुल भी लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है ना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है इसी तरीके की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे अब अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाय थैंक यू